चलो भाई आगे सब। सो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं एलिजिबल हूँ सर, क्या मैं एलिजिबल हूँ। बहुत एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे आपके अंदर डाउट थे। सो आई डिसाइडेड कि यार ये लोग सर खा जाएंगे, इससे अच्छा कि मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। सो यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि आप इन टर्म्स ऑफ आपके डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन से एलिजिबल हो कि नहीं हो। उसके बाद प्रिपरेशन में आपको कौन से पॉइंट कंसिडर करने हैं, आपका करेक्ट सिलेबस क्या है, और सबसे एंड में साहिल सर की तरफ से आप सबके लिए एक सरप्राइज है। जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं साहिल कुमार आपका डिफेंस मैनेजर वेलकम करता हूँ। एंड यस, एज प्रॉमिस, जो हमारे कोर्स मेंबर्स थे जिनका को रिजल्ट क्वालिफाई हुआ था, उन सबका रिजल्ट मैंने अपने इंस्टा फीचर कर दिया है, तो तुम जाके देख सकते हो। और अगर अच्छा लगे, हम कोर्स वैट वगैरह डालते रहते हैं SSB के लिए, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। और ये डिफेंस मैनेजर का यूजर आईडी है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो एफकेट का एग्जाम है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो उनके लिए है, एफकेट का एग्जाम आपके लिए साल में 2 बार होता है। फर्स्ट टाइम जो होता है वो आपका साल के स्टार्टिंग में होता है, फैब के मंथ में, मतलब एंड ऑफ फैब में आपका वही 20, 21, 22 फैब को पहला एग्जाम होता है। एंड जो सेकेंड टाइम जो एग्जाम होता है उसको आप अगस्त के एंड में या फिर सेप्टेम्बर में कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए, 2 दिन एग्जाम, दो बार में एग्जाम हो रहा है। जो पहले मतलब फर्स्ट 6 मंथ में एग्जाम होता है उसको 1/2021 बोला जाता है। दैट मीन्स कि जो भी होने वाला है आपका अगस्त में, वो आपका FK2 2021 है। FK1 आपका हो चुका है, जिसका कट ऑफ जो था 165 मार्क्स आया था। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर होगा। बेसिकली ये जो एफकेट एग्जाम है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का। एक एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसका एग्जाम काफी ईजी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो और आपको खुद भी रियलाइज नहीं होता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और आप एंड में पता चलता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। सो डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, आपको अभी पता चल जाएगा कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। देखिए स्टार्ट करते हैं फ्लाइंग ब्रांच से। बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू 3 ब्रांचेस आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज आपका फ्लाइंग ब्रांच, सेकेंड होता है आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, और सेकेंड थर्ड होता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। सो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज लिमिट है, दैट इज फॉर FK2 2021 एग्जाम, दैट इज 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2002। मतलब जिनका भी बर्थ डेट 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच तक आ रहा हो, वो सारे एलिजिबल है। कंफ्यूज मत होना, 2 जुलाई के बाद का मतलब 3 जुलाई 4 जुलाई 5 6 7 8, ये सारे एलिजिबल है टिल फर्स्ट 1 जुलाई 2002। क्वालिफिकेशन की बात करें फ्लाइंग ब्रांच के लिए, 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना ही चाहिए, विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, मतलब दोनों में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस ग्रेजुएशन आपका किसी डिसिप्लिन में हो 60% मार्क्स साथ, तो आप एलिजिबल हो। ध्यान रखना, ये जो फ्लाइंग में, जो ये 12th में फिजिक्स और मैथ की बात कर रहा हूँ, ये केवल फ्लाइंग के लिए है, नॉट फॉर नॉन टेक्निकल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। होपफुली फ्लाइंग वालों को इनका क्लियर हो गया होगा। सो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में आ रहा है, वो आप एफकेट के लिए प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं एफकेट टू के ग्राउंड ड्यूटी की एज लिमिट। देखो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इन दोनों के लिए एज लिमिट सेम होती है। एज लिमिट क्या आएगी, जो ग्राउंड ड्यूटी की एज लिमिट है वो है आपकी 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2002। मतलब कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2002 तक आ रहा, वो सारे एलिजिबल है। 1997, 1998, 1999 सारे एलिजिबल है इस बार एग्जाम में। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे ये 2 जुलाई जो है वो भी कंसिडर होता है। नॉन टेक के लिए आप 12th किसी भी स्ट्रीम में पास हो, प्लस ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स हो, दैट्स इट, यही आपका बस ये होता है। मतलब कि अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करें, आपके पास कोई बीटेक डिग्री नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप 12th, आपका 12th क्लियर हो और आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो। यहाँ पे कोई स्ट्रीम स्पेसिफाई नहीं है, दैट मीन्स कि आप कॉमर्स आर्ट के भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन टेक ब्रांच की। अब जो भी टेक्निकल वाले हैं जो कि टेक ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं, इनको एफकेट के साथ एक और एग्जाम देना पड़ता है, उसका नाम है ईकेटी, दैट इज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। अब देखो ईकेटी वालों के लिए, जो एफकेट टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी 12th में फिजिक्स और मैथ में 50% होना कंपल्सन है एंड कंपल्सरी। अब देखो ग्रेजुएशन में भी आपको 60% मार्क्स चाहिए चाहिए, मतलब कि चाहे आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, आपको ग्रेजुएशन में 60% चाहिए। और अगर आप नॉन टेक के लिए जा रहे हो, तो जब डिफरेंस केवल 12th में आता है, 12th के टाइम पे आपका जो नॉन टेक है, आपको वहाँ पे कोई भी मार्क्स का या फिर किसी भी स्ट्रीम का स्पेसिफाई नहीं किया है। हाँ, आपको फिजिक्स और मैथ, अगर आप टेक्निकल वाले हो तो आपको फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, और आप अगर फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी आपके पास फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। तो आई होप आपको एज लिमिट के बारे में क्लियर हो गया होगा। ऐसे अपडेट्स डिफेंस मैंने आपके लिए बहुत सारे लेके आता है,
तो मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके और जो उसका बेल आइकन है वो दबा लेना। जो भी आपको अपडेट मिलेगा आपको डिफेंस मीडिया के साइट से सबसे पहले मिल जाएगा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं 90 डेज प्लान की। मैंने कहा था कि आपको आपकी इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बटा हुआ है, एलिजिबिलिटी, प्रिपरेशन एंड सरप्राइज। सरप्राइज को सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। अब देखो 90 डेज प्लान की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें मैंने सिलेबस, प्लानिंग, शेड्यूल, बुक्स, रिविजन, प्रैक्टिस सब कुछ कवर किया हुआ है। एंड यस, अपने पर्सनल टिप जिसके थ्रू मैं 200+ स्कोर करता था वो भी शेयर किए हैं। इस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो का टाइटल होगा 90 डेज प्लान टू क्रैक एफके 2021 एग्जाम। इसके साथ ही जो सरप्राइज था वो ये है कि जो हमारा टारगेट एफकेट का सिलेक्शन बैच है वो आप जो हमारे जो टारगेट बैच है अभी इसका प्राइस जो इसका 799 है उसके प्राइस 1 मई से बढ़ने वाले हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप जाके जल्दी से इनरोल कर लो। इनरोल करने के लिए आप डिफेंस मिनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप साहिल सर कूपन को यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 149 का डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। मेक श्योर 1 मई से पहले इनरोल कर लेना, क्योंकि 1 मई के बाद हमारे सारे कोर्सेज के जो प्राइजेस है वो बढ़ने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप एफकेट का आपको पता चल गया, सीडीएस के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं ये पता लगाना है। इसके लिए शिवानी मैम ने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप जाके उसको भी क्लिक करो और उसको भी देखो। थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड हो सके तो वीडियो को जितने ज़्यादा एस्पिरेंट उनके साथ शेयर कर दें ताकि उनके अंदर जो मिथ है डेट ऑफ बर्थ का वो क्लियर हो सके। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।